अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी राजनीतिक और धार्मिक विचारधाराएं हमें मार्गदर्शन देती हैं, लेकिन क्या ये सच है? ये विचारधाराएं असल में नॉन मेडिसिनल ट्रैंकुलाइजर की तरह काम करती हैं। इनका मूल उद्देश्य ये है कि तुम नींद में जीते रहो, जिसे तुम्हें अपने ऊपर हो रहे शोषण, दमन और गुलामी का एहसास तक ना हो। जब तुम इन विचारधाराओं के प्रभाव में होते हो तो तुम अनजाने में ही अपने आप को शोषण के लिए अनुमति दे देते हो। तुम सोचते हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि असल में तुम्हारे अधिकार और स्वतंत्रता को छीना जा रहा होता है। ये विचारधाराएं तुम्हें सोते हुए रखती हैं, ताकि तुम्हें सच का पता ही ना चले। इन विचारधाराओं का असली चेहरा ये है कि ये हमें सोते हुए रखना चाहते हैं, मानसिक और आत्मिक रूप से। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में हम विचारधाराओं के बंधनों में जकड़े हुए हैं। ये हमें एक कल्पित दुनिया में जाने को मजबूर करते हैं, जहां हम अपनी असली स्थिति से अनजान रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस नींद से कैसे जागें? जागरूकता ही इसका जवाब है। हमें अपनी सोच को विस्तारित करना होगा, अपने आसपास के सच को पहचानने की कोशिश करनी होगी, हमें अपने विचारों को स्वतंत्र करना होगा, ताकि हम सच में स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। इसी को हमने थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कहा है, जिसका गहरा मतलब है कि तुम अपने मन से एक दूरी बना सको और उस मूलभूत विचार के साथ जुड़ सको जो तुम हो, जो तुम्हारा होना है। प्रणाम।